इन डेढ़ सालों में समाजवादी पार्टी जब से जीत के आई है उनका यही मामला है कि काम कुछ करने का नहीं, हर जगह जाके काम की फोटो खिंचाने का और व्हाट्सएप में लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। पैप पड़ा था तो कहे के लिए पैप पड़ा था, जब टेंडर कॉल हुआ 15 दिन का टाइम मिला तो तुमने टेंडर क्यों नहीं भरवाया, अगर तुमको काम कराना ही था, तुमको खाली फोटो खिंचाने का शौक है। मेरे को भी बदनाम करना चाहते थे और खुद भी ग्रेड लेना चाहते थे, और अस्पताल का मामला ऐसा है कि उसको कुछ समझता नहीं है। चुनके दिया एक बार आसिम भाई सीट छोड़ के भाग गए, उसके बाद हमारे ऊपर रुपेश माधरे ला के शहर में जो काम हो रहा है ये कांग्रेस का पास किया हुआ काम है। सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी ने विकास ये किया है कि कुनार विकास अघाड़ी कुनार में एक आलीशान ऑफिस लिए उन लोगों ने, अब ये उनका विकास हुआ है कि जनता का विकास हुआ ये उनको मालूम है। उसके बाद नया हाई स्कूल तैयब मस्जिद के पास ये उन्होंने चालू करी, जहाँ पे गरीब बच्चे का एडमिशन लेना तो छोड़ो, गरीब बच्चा वो स्कूल के बाहर खड़े रह के वड़ा पाव भी नहीं बेच सकता है। आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। भिवंडी का वार्ड नंबर 10, जहां पर पीने की पाइपलाइन को लेकर राजनीतिक रोटियां जो हैं तरह तरह से सेकी जा रही है। विशेष तौर पर हम आपको बता दें कि गत दिनों पहले हमने दर्शाया था कि वार्ड नंबर 10 के जो नगर सेवक हैं आरिफ खान, उन्होंने हमारे चैनल की टीम से बातचीत के दरमियान कहा था कि यहाँ पर जो पीने की पाइपलाइन जो डाली जा रही है उनके अथक प्रयास से यहाँ पर कार्य किया गया था। वहीं हम आपको बता दें कि उसके दूसरे दिन के बाद विशेष तौर पर उनके सहयोगी जो नगर सेविका हैं उनके जो पिता हैं विशेष तौर पर अशफाक अंसारी, उन्होंने भी अपने सहयोगी नगर सेवक आरिफ खान के ऊपर गंभीर आरोप लगाया था कि कार्य करने में वहां पर जिस तरह से उस पीने के पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है उसके लिए अथक प्रयास जो है हमने किया था। अंदर कैसा है, मेरी बेटी है नगर सेवक शिफा अशफाक अंसारी, और ये 2 जनवरी 2020 में इसके लिए सबसे पहले लेटर डाला गया यानी कि मेरी तरफ से, और उसी लेटर पर ये लाइन पास हुई है, और ये लाइन पास कराने में काफ़ी मेहनत करना पड़ी है। यानी कि अब मामला ऐसा है कि इसके अंदर कोई दूसरा आदमी क्रेडिट लेना चाहता है तो लोग मेरे वार्ड वाले जो किस वार्ड में ज़्यादातर मेरे रिश्तेदार और मेरे गांव के लोग हैं वो लोग मुझको पूछ रहे अशफाक भाई लाइन कौन लेके आया, ये किसकी तरफ से लाइन पास हुई, तो मजबूरन मुझको आप लोग को यहाँ बुलाना पड़ा। वार्ड नंबर 10 गुलजार नगर सलामतपुरा क्षेत्र में 450 मीटर के पीने की पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है। हम आपको बता दें कि जिस दिन ये पाइपलाइन वहां पर गिराया जा रहा था यानी कि रखा जा रहा था तो स्वतः वहां पर अशफाक अंसारी भी उपस्थित थे आरिफ खान के साथ, लेकिन क्या बातें हुई क्या कारण है जिसके कारण हम आपको बता दें कि आरिफ खान के ऊपर आरोप लगाया गया कि कार्य हमने किया, आरिफ खान वहाँ पर जाकर फोटो खिंचा रहे, जो कि हम आपको बता दें कि अशफाक अंसारी वहाँ पर साथ में थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम आपको ये भी बता दें कि 3.5 वर्ष बीत चुके जो वहाँ के आसपास के परिसर के लगभग हजारों जो नागरिक थे वो पिछले 3.5 साल से वहाँ पर पानी की समस्या से गूंज रहे थे। आज वहाँ पर 450 मीटर की पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है जिसको लेकर तरह तरह की राजनीतियाँ की जा रही हैं। विशेष तौर पर आज फिर से हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए आरिफ खान जो कि वार्ड नंबर 10 के नगर सेवक हैं, उन्होंने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया, पत्रकारों को उन्होंने संबोधित किया, अपने पत्र दिखाए कि उन्होंने महानगर पालिका से इसका कब वर्क ऑर्डर लाया, कब इसको प्रस्तावना और कब मंजूरी दी गई, वो पूरे सारी चीज़ें का खुलासा जो है इस पत्रकार परिषद के माध्यम से बताते हुए दिखाई दिया। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो पिछले काउंसिल में महानगर पालिका में महापौर जो कांग्रेस के होने के नाते उन्होंने भिवंडी शहर में विकास के कार्य किए नहीं किए उन 2.5.5 साल के कार्य को गिनाते हुए भी दिखाई दिए। और हम आपको बता दें कि भिवंडी पूरब के विधायक जो कि हम आपको बता दें कि आरिफ खान उनके नाम को लेकर हमेशा चर्चित में रहते हैं, एक बार फिर से उनके ऊपर निशाना साधा और क्या कहा देखिए इस विशेष खबर में। पत्रकार परिषद के विषय को लेकर अभी कुछ ईद के पहले एक मामला आया था और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, मेरे साथी नगर सेवक को साथ में लेकर बैठाया गया था, उससे कुछ उसको मालूम ज़्यादा है ही नहीं तो उससे कुछ गलत मालूम दी गई थी कि वो जो मेरे वार्ड में एक पानी की लाइन का काम चालू हुआ है उनका बोलना था कि वो उनकी वजह से हुआ, तो इसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ताकि आवाम को, वैसे मेरे वार्ड के लोगों को सबको पता है कि वो काम कौन करवा रहा है, लेकिन इन डेढ़ सालों में समाजवादी पार्टी जब से जीत के आई है उनका यही मामला है कि काम कुछ करने का नहीं, हर जगह जाके काम की फ़ोटो खिंचाने का और व्हाट्सएप में लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। अभी उन्होंने उस दिन बैठ के कहा कि पहले महीने में 2020 को उन्होंने एक लेटर दिया था काम के लिए, उसकी वजह से काम हुआ, तो आज 1.5 साल होने आ गया है। उनका लेटर पहले महीने में 2020 को आया था, जब मैंने देखा कि 6-7 महीना हो गया कुछ काम नहीं हो पा रहा है, वो वार्ड जो है वो अशफाक के हिस्से में आता है, कुछ हिस्सा मेरा भी पड़ता है, लेकिन जब मैं देखा कि 7 महीना हो गया कुछ काम नहीं हो पा रहा है तो मैं तुमको अभी लेटर देता हूँ। 7वें महीने में मैंने वो लेटर दिया उसको, नगर पालिका में एक लेटर दिया वो लाइन डालने के लिए। 7वें महीने में लेटर देने के बाद 5/10/2020
को मैंने उसको मंजूर करा के लिया, और उसके बाद फिर मैंने अस्पाक से कहा कि अस्पाक ये काम कर, मैं वो टेंडर कॉल करवा देता हूँ, और टेंडर कॉल करवाने के बाद कोई ठेकेदार होएगा तो उसको भरवा के अपन काम चालू करवा देंगे। तो मैंने 29/10/2020 को ले कर 12/11/2020 तक ये टेंडर कॉल पड़ा था। इनका बोलना है कि इनके पास पाइप पड़ा था तो काहे के लिए पाइप पड़ा था, जब टेंडर कॉल हुआ 15 दिन का टाइम मिला तो तुमने टेंडर क्यों नहीं भरवाया? अगर तुमको काम कराना ही था, तुमको खाली फ़ोटो खिंचाने का शौक़ है, अगर काम कराने का शौक़ रहता तो टेंडर कॉल करके काम करवा देते, अभी तक काम ख़त्म हो जाता 3 महीना पहले। लेकिन जब इन्होंने नहीं कराया, 1 महीना और चला गया, उसके बाद मैंने अस्पाक को फिर बोला कि अस्पाक कोई ठेकेदार मिला कि नहीं तेरे को काम करने के लिए? तो उसने बोला कि नहीं मिला। तो फिर मैंने एक ठेकेदार से बात करी और उससे बहुत रिक्वेस्ट करी, अभी भी तुम देखे होंगे उसकी क्लिप भी चली थी, उसने बाकायदा बोला कि आरिफ भाई ये काम मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ, मैं तुमको अभी क्लिप भी दे दूँगा। फिर मैंने 9/12/2020 से लेके 15/12/2020 एक हफ्ते का टेंडर कॉल किया और उसको बोल के मैंने टेंडर भरवाया। उसके बाद शासन की मंजूरी इसको 26/2/2021 को मिली, दूसरे महीने में शासन की मंजूरी मिल गई। उसके बाद काम चालू होना था लेकिन कोविड आ गया, और कोविड आने की वजह से वो अपना पाइप का बंदोबस्त नहीं कर पाया, और फिर कुछ पैसे का भी प्रॉब्लम था तो मैंने उसको अपने पास से पैसा दिया, क्योंकि मेरा वार्ड है, मेरे वार्ड के लोगों का ख्याल मेरे को रखना है, मेरे को खाली जाके वहाँ फ़ोटो नहीं खिंचाना है। जिसको फ़ोटो खिंचाना है वो जा रहा है, रोज़ फ़ोटो खिंचा के आ जा रहा है, लेकिन आवाम को सब पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। फिर मैंने उसको अपने जेब से 3 लाख रुपये दिया कि ठीक है तू ये काम करके ले, जब तेरा बिल निकलेगा तो मेरे को पैसा वापस दे देना। उसके बाद मैंने पाइप गिरवाया और काम चालू कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आवाम को ये जो लोग गुमराह कर रहे हैं, समाजवादी के लोग, और आज से नहीं, आज 1.5 साल से ये लोग गुमराह कर रहे हैं खाली, तो मैं इसकी एक क्लियरिफिकेशन करने के लिए आप लोगों को बैठाया हूँ। मैं आप लोगों को लेटर दे दूँगा, कोई जानकार आदमी है वो समझ जाएगा कि प्रोसीजर इसका क्या रहता है। तो आरिफ भाई, ये जो 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 कुछ भी हुआ था, फारूक ने जो समाजवादी के लोग थे उन्होंने अशफाक भाई को बिठा के जो किया था, तो वो उनकी क्रेडिट लेने की ये थी, मतलब जो जो था वो खुद क्रेडिट लेना चाहते थे या आपको बदनाम करना चाहते थे? मेरे को भी बदनाम करना चाहते थे और खुद भी क्रेडिट लेना चाहते थे। और अशफाक का मामला ऐसा है कि उसको कुछ समझता नहीं है, वो 2-4 बार लेके गया होगा उसको, लेकिन मेरा बोलना है कि तुम लोगों ने अगर बहुत मेहनत की उसके साथ में लग के, तो बीच का जो 7 महीना था, पहले महीने से 7वें महीने तक तुम लोग क्या कर रहे थे? भुट्टा भून रहे थे क्या तुम लोग? उसके बाद जब तुम्हारे पास पाइप पड़ा था तो तुमने टेंडर कॉल क्यों नहीं भरा? टेंडर भर के काम चालू करवा देते। तो खाली लोगों को गुमराह करना ये समाजवादी का काम है। अभी जैसे ये लोग कांग्रेस के 2.5 साल का हिसाब मांगते हैं कि कांग्रेस ने 2.5 साल में क्या काम करी। कांग्रेस के 2.5 साल का काम तो इतना ज़्यादा है, इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने 25 साल से शहर को खंडर कर दिया है। आज 25 साल में हमने दो समाजवादी को 2 बार भिवंडी वेस्ट से MLA चुन के दिया, भिवंडी ईस्ट से 2 बार MLA चुन के दिया, 1 बार आसिम भाई सीट छोड़ के भाग गए, उसके बाद हमारे ऊपर रुपये माथे ला के लाद दिया गया। 25 साल में इन लोगों ने शहर को खंडर बना दिया है, और शहर का काम करने के लिए अभी हमको मौका मिला लेकिन सिर्फ 2.5 साल मिला, और उसके बाद कोविड आ गया। अभी भी पूरे शहर में जो काम हो रहा है ये कांग्रेस का पास किया हुआ काम है। मैं तुमको बताता हूँ, कांग्रेस ने सबसे बड़ा जो काम किया, जावेद अलवी महापौर ने 111 करोड़ रुपया जो स्टीम लाइन का हमारे ऊपर बकाया था वो उन्होंने माफ़ करवा दिया। उसके बाद पूरे शहर में लाइट चेंज करवा दी उन्होंने। आज जो पूरे शहर में रोड बन रहा है, 15 करोड़ रुपया हम लोगों ने पास किया और रोड का काम चालू हुआ, पूरे शहर में रोड बन रहा है। उसके बाद 10 करोड़ रुपया हम लोगों ने गटर के लिए पास किया, पूरे शहर में गटर का काम चालू है। उसके बाद मूलभूत सुविधा जो पिछले 5 साल में 1 बार भी नहीं आई थी, वो मूलभूत सुविधा 40 करोड़ रुपया हम लोग लाके नाले का काम चालू किया। अभी मेरे वार्ड में भी 70-80 लाख का नाले का काम चालू हुआ है। इसी तरह पूरे भिवंडी में नाले का काम हुआ है। तुम्हारी भाई बताना चाहेंगे कि 25 साल में समाजवादी ने क्या विकास किया भिवंडी में? बहुत विकास किया है, 3 विकास तो मेरे सामने है। सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी ने विकास ये किया है कि कुनार्क विकास अघाड़ी, कुनार्क में एक आलीशान ऑफिस लिए उन लोगों ने। अब ये उनका विकास हुआ है कि जनता का विकास हुआ है ये उनको मालूम है। उसके बाद न्याज हाई स्कूल तैयब मस्जिद के पास ये उन्होंने चालू करी, जहाँ पे गरीब बच्चे का एडमिशन लेना तो छोड़ो, गरीब बच्चा वो स्कूल के बाहर खड़े रह के वड़ा पाव भी नहीं बेच सकता है, वो ऐसी स्कूल उन्होंने चालू करी आवाम के लिए, न्यूंडी के आवाम के लिए। ये उनका समाजवादी का विकास है। उसके बाद ओशियन जो बाजू में बिल्डिंगें टावर बने वो उन्होंने बनाए, ये इनका विकास है समाजवादी पार्टी का। आज ये हमसे सवाल करते हैं, अरे हमसे 2.5 साल सवाल, हमारे से 2.5 साल का हिसाब लेने से पहले आवाम को तुमको 25 साल का हिसाब देना पड़ेगा। और तुम जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो कि हम BJP को सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, जो टाइम हम लोगों ने अन्ना को लाया था यहाँ पर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं था, और हम ये चाहते थे कि भिवंडी ईस्ट से BJP शिवसेना गठबंधन नहीं जीते,
और वो अन्ना हमको लग रहा था कि वो हिंदू वोट भी उनको बहुत मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने उसको लेकर आया था ताकि सेना और कांग्रेस के सेना और बीजेपी गठबंधन की सीट नहीं आवे, हमारी कांग्रेस की सीट आवे। और हम कांग्रेस में जाके उनकी हेल्प नहीं करे थे जिस तरह समाजवादी वाले करते। एमपी के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने क्या किया था पूरे शहर ने देखा था। उसने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के कैंडिडेट को हराने के लिए एमपी के इलेक्शन में अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारा था ताकि मुसलमानों का वोट कटे और कपिल पाटिल इलेक्शन जीत के आवे। और उसके बाद अभी समाजवादी में कुछ लोग ऐसे हैं जो विलास को गाली देते हैं, बीजेपी को गाली देते हैं, लेकिन इनकी असलियत तुम देखने जाओगे तो समाजवादी के बहुत से लोग कुनार विकास अघाड़ी बीजेपी गठबंधन से इलेक्शन लड़ चुके और हार चुके, और आज ये कौम की बात करते हैं। कहीं ना कहीं आप आरोप लगा रहे हैं कि जो रईस शेख चुनके आए अहमदाबाद तो वो दो हिंदू कैंडिडेट के बीच में एक मुस्लिम जीत के आया, तो ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में वो जीत के आए, कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की भी लड़ाई थी, असदुद्दीन अवैसी साहब की भी बहुत बड़ी मेहरबानी थी, उसमें किसी आवाम ने समाजवादी के नाम पर वोट नहीं दिया और ना देगी। आवाम 25 साल बेवकूफ़ बनी है इनके साथ में ये पार्टी के चक्कर में, अब आवाम और बेवकूफ़ नहीं बनेगी। ठीक है, वो एक हिंदू मुस्लिम का मामला था, असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपील करी थी, इसके लिए वो सीट चुन के आ गई। अभी आपने बोला है कि जो अशफाक है, जो अशफाक कॉर्पोरेटर, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, मालूम नहीं है ज़्यादा उनको नगर पालिका के बारे में, प्रोसीजर के बारे में, कैसे काम होता है, क्या होता है, उसको तो मालूम नहीं है, उसको बैठा के गुमराह किया गया। ये चार साल उन्होंने जो हमारे जो विकास के लिए जो काम करना था जो वार्ड में, उनको कुछ नहीं किया उन्होंने, उनका जो भी गाइडलाइन थी वो आपने किया। बहुत मेहनत किया मैंने उसके लिए, और उसके बाद काम उसने भी बहुत किया है वार्ड में, लेकिन उसको इतना समझता नहीं है वो, उसको मेहनत दौड़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसके लिए मैं सपोर्ट भी करता था उसका, हर बार मेरा कुछ काम रहता था वो भी सपोर्ट करता था, हम लोग मिलजुल के वार्ड में काम करना चाहते थे। तो इसके लिए आप अपने वार्ड के लोगों को क्या बोलेंगे कि अगली बार मेरे वार्ड के लोगों मेरे को चुन के लाए? मेरे वार्ड के लोगों को सब पता है कौन काम कर रहा है, कौन फोटो खिंचा रहा है, पब्लिक है सब जानती है। पब्लिक अगर नहीं जानती तो समाजवादी को 17-2 में नहीं लेके आ जाती। कहीं ना कहीं एमएलए रईस शेख से जब सवाल किया जाता है तो वो बोलते हैं कि रुपेश मात्रे से आपने कितना सवाल किया, तो भिवंडी में। और मैं तुमको बड़े नेता की एक अच्छी चीज़ बताता हूँ कि तुम कितने भी बड़े नेता है जो मुंबई में जाके असम्बली में बैठते, तुम उनका रिकॉर्ड उठा के देख लो, वो अपने गाँव से अपने एरिया को डेवलप करते हैं, वहीं से लड़ते हैं, 5 साल वो जाते नहीं लेकिन विकास करते, उनको अपना एरिया प्यारा होता है। लेकिन आसिम भाई को अपना एरिया प्यारा नहीं था, आसिम भाई को कुछ और चीज़ प्यारी थी, इसके लिए वो गोवंडी गए। नहीं तो तुम बड़े नेता जितने देख लोगे कोई मुंबई से नहीं लड़ता है, सब अपने गांव महाराष्ट्र के जितने ग्रामीण हैं, गांव खेड़े हैं, नासिक पूना धुलिया, सब अपने अपने लोगों के बीच में जाके इलेक्शन लड़ते हैं, वो एरिया डेवलप करते हैं।